सो गाइस, कल हमको जाना है गांव और 120 किलोमीटर का सफर तय करना है, लेकिन हम बस से ना जाकर हमारी ई बाइक से जाएंगे। लेकिन हमारी ई बाइक चलती है ओनली 60-70 किलोमीटर, तो हमको ई बाइक से ही जाना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। इसलिए हमने एक जुगाड़ लगाया है, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी ई बाइक और इस पर हमको सफर करना है 110 किलोमीटर का। लेकिन हमारी ये स्कूटी सफर तय करती है 60 किलोमीटर का। हाँ, तो अब हमने इसमें जुगाड़ किया है, तो ये आपको बताएंगे कि हम इसे किस तरीके से इतना लंबा सफर कम वक्त में तय कर सकते हैं। अच्छा, कम वक्त में दिखाओ अपने जुगाड़, हमने क्या क्या किया है। ये हमने खोली स्कूटी की डिक्की, खजाना है इसके अंदर। अब ये आपको बताएंगे कि इन्होंने इसमें क्या जुगाड़ किया है, ये सिस्टम क्या है और ये कहाँ से। ये देखो दोस्तों, ये चार बैटरियां लगाई है अलग से, छह इसके अंदर पहले से, ये नीचे तो चार और लग गई, इसमें वही 10 बैटरी। अब ये हमको लेके जा सकती है लगभग 120-125 किलोमीटर दोनों को। पहले कितनी चलती थी? पहले जाती थी ये लगभग 80 किलोमीटर, और अब चार बैटरियां और डल गई है, तो आराम से 120-125 किलोमीटर चली जाएगी। और ये चार्जर चार्ज कर लेता है सारी बैटरियों को। हाँ, ये इसमें अलग अलग जुगाड़ दिया है, ये ऊपर की बैटरियों को चार्ज करना, इसको ऑन करो, ऑफ करोगे तो नीचे वाली बैटरियां चार्ज होंगी, नीचे वाली चलेगी। मतलब पहले 5 बैटरियां खत्म होगी, फिर दोबारा 5 बैटरियां खत्म होगी। तो ये आइडिया किसका था, आप ये बताना चाहेंगे? ये आइडिया मिस्त्री को हमने ही दिया था, क्योंकि मिस्त्री अनजान था इस बात। पहले तो मिस्त्री को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे होगा, लेकिन हमने फिर उसको आइडिया दिया, हमने नहीं, इन्होंने उसको ये आइडिया दिया और हमारा काम बन गया। और मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, तो चलो आपको वो भी दिखाती हूँ। तो गाइज, ये मैंने एक छोटा सा हैंड पर्स मंगाया है, और मैं पर्स बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, ना के बराबर मेरे पास पहले ही पड़े हुए हैं, तो वो भी यूज़ कम आते हैं। ये मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए मंगवाया हुआ है, और इसका डिज़ाइन और कलर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कलर मुझे बहुत पसंद आता है हैंड पर्स वगैरह में। और इसके बाद सेकंड ये है, ये मैंने कुछ कंगन मंगाए हैं, ये चार जोड़ कंगन है, और ये भी मैं इस तरह के डिज़ाइन पसंद करती हूँ, पर मैं चमक दमक अब कम यूज़ कर रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है। ये मैंने गिफ्ट्स देने के लिए ही मंगवाए हैं चार जोड़ी। और इसके बाद ये थर्ड है, ये अमीना हर्बल हिना, मैंने काफ़ी पहले व्लॉग में आपके साथ हिना शेयर की थी, बालों में जो हिना मेहंदी यूज़ करते हैं वो, तो ये मैंने थोक में पूरा बॉक्स ही मंगवा लिया है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इस बार मिल रही थी तो मैंने सोचा पूरा बॉक्स ही मंगवा लेती हूँ, बाद में फिर मिले ना मिले। और इसका कलर और शाइनिंग बालों में बहुत अच्छी होती है, बाल भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको मंगवा कर रख लिया। और इसके बाद है ये दुपट्टा, आपने मुझे देखा होगा मैं वाइट से स्टोल डालती हूँ, मेरे पास दो हैं, काफ़ी टाइम से वही डाल रही हूँ, और अब वो थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो मैंने ये मंगवा के रख लिया, अभी उन्हीं को यूज़ करना है, लेकिन इमरजेंसी के लिए मैंने ये नया भी मंगवाया है, क्योंकि नए की ज़रूरत थी। और ये एक टॉप है, आप देख रहे हो आपको कलर कैसा लग रहा है, एक्चुअली ये मैंने मंगाया नहीं, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरे पास सेंड किया है उसने। तो लास्ट में बारी आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की, ये देखकर आप समझ ही गए होगे क्या है, तो ये मैंने मंगवाया है। और जब तक मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो, किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत हो, तभी मैं एक शॉपिंग करती हूँ। तो दोस्तों, अभी शाम के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, और हमें कल सवेरे जल्दी निकलना है, और हम यहाँ पर अपने ई बाइक में हवा भरवाने के लिए आए थे, लेकिन जो पेट्रोल पंप के सामने काम करते हैं उन्होंने मना कर दिया, उनको टाइम नहीं था, बोले खुद ही भर लो। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कैसे करते हैं, तो देखो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। सो गाइज, अभी सवेरे के 6:30 बज रहे हैं, हम निकलने वाले हैं, और यह हमारा बैग और ई बाइक तैयार है, तो चलो चलते हैं। तो घर से निकले हुए तो हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया है, कमर दर्द होने लगी थी और बैठे बैठे थक से गए थे, तो यहाँ हमने लिया छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से चलेंगे हम अपने सफ़र पे। ये क्या सामने रास्ता बंद है क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, पुलिस भी लगी है, देखो सामने कई सारे लोग बैठे हैं ब्रिज के नीचे, तो रास्ता बंद है। इधर सही क्या, आगे से जाना पड़ेगा, आगे कट है, मतलब 5 किलोमीटर जाके फिर ऐसे पुलिस
सो गाइस आगे रास्ते बंद हुए पड़े हैं क्योंकि आपको पता है जगह जगह बाढ़ सी आ रही है। गांव गांव के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं, ये पता नहीं हमें कौन सा गांव है जिसके अंदर से हमने एंट्री की है और यहां से हम बाहर निकलेंगे और पता नहीं कहां पहुंचेंगे। बाहर जाके पूछते हैं किस तरफ जाना है, किसी से देखते हैं। जाना था ये कौन सा गाँव है? क्या बड़शीन? सो दोस्तों हम अभी बड़शीन गाँव से एंट्री करके बाहर निकले हैं और यहाँ से जाएंगे अब आगे। तो ये बरसीन गांव है, यहाँ पर बाढ़ का पानी आया हुआ है। हम गांव से इधर उधर से घुस के यहाँ से निकले, अब मेन रोड पे अब हाईवे पर पहुंचे हैं। ये बाढ़ का पानी आया हुआ कई बार फिर पंजाब बढ़िया नाली है। कितने सारे खेतों में बाढ़ आई हुई है, कितने सारे खेत डूब गए। देखो बाप रे बाप। और इस तरफ भी है क्या? यहाँ भी देखो दूर दूर तक समंदर की तरह से पानी का बहाव बना हुआ है। और यहाँ के खेत तो ठीक है, ये देखो ये ऊंचाई पर है। सो गाइज़ हमने लगभग 2 घंटे से ऊपर का सफ़र तय कर लिया है और अभी हम एक कैंटीन में रुके हैं, यहाँ पे चाय पियेंगे। और यहाँ हमने अपनी ई बाइक को चार्जिंग पर लगा दिया है और यहाँ हम पियेंगे अभी चाय और उसके बाद चलेंगे अपने सफ़र पे वापस। काली माई का मंदिर है क्या? इच्छा मूर्ति श्री शनिदेव मंदिर, इच्छा मूर्ति मंदिर। सो दोस्तों यहाँ पे हमने एक और गांव में एंट्री करी है जहाँ का ये मंदिर था और अब यहाँ से आगे हम अपने गांव में पहुँचेंगे जहाँ हमें जाना है। दोस्तों आखिरकार हमने हमारी गर्दन पे 100 किलोमीटर हमारे घर पहुँचने वाले। सो गाइस जिस गांव में हमें जाना था, यानी कि हमारे जिस गांव में हमें जाना था वहाँ एंट्री हो चुकी है लगभग। और यहाँ पे जो यहाँ का सिस्टम होता है वो आपने रास्ते में देखा, जो चलन है गांव का। और ये आ गई हरियाली चारों तरफ, आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे यही सब देखने को ही मिलता है ज़्यादातर। और ये यहाँ की नहर आ गई, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और नहा रहे हैं। और ये आ गया यहाँ का रेलवे स्टेशन, गांव में जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, ज़्यादा नहीं बिल्कुल छोटा सा बना हुआ है। और यहाँ सामने बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है गज्जूवाला, तो हम गज्जूवाला में एंटर कर चुके हैं। और रास्ते में ये कुछ कुछ जो आ रहा था ये मुझे बताते चल रहे थे कि क्या है मुझे यहाँ के बारे में, क्योंकि ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। और अब हमने गाँव में एंट्री कर चुके हैं तो आप देख लो किस तरीके का है हमारे गाँव की गलियाँ। सो गाइज बस से आते तो लगभग 2-2.5 घंटे लगते, अभी हम ई बाइक से सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में एक जगह हम आधा घंटे के लिए रुके भी थे तो लगभग 3.5 घंटों से ऊपर का टाइम हमें लग चुका है। चारों तरफ बारिश की वजह से बाढ़ आ रही है, अभी भी कई जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन यहाँ पे अभी कम बारिश है जहाँ पर हम हैं। और गर्मी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। सो ये अब आ गई लास्ट में हमारे ससुराल वाले घर की गली, तो अब घर हम पहुँच चुके हैं। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।